महाराज जी, राम को तो हमने देखा नहीं, हम बहुत उल्टे में से हैं। हम बोलते हैं कि हम व्यास नहीं, हम व्याध हैं। आफत, व्याध का मतलब आफत। हम आपसे कहते हैं कि पहले तुम राम का अनुभव करो, पहले तुम अपने जीवन काल में राम को गुनो, पहले तुम अपने जीवन काल में राम को भरो, बाद में उनके बनना। हम हमेशा बोलते हैं किसी को भी झट से गुरु मत मानो। महाराज जी को भी हम निवेदन करेंगे, आप किसी को भी झट से एंट्री मत दो लंदन में, पहले उसको परखो कि ये धन कमाने आया है कि धर्म कमाने आया है। और जब वो एकदम परिपक्व लगे कि नहीं ये माला वाला आदमी है, ये हमसे कुछ लेकर नहीं हमें बहुत कुछ देकर जाएगा, तब उसकी बाह पकड़ना और लंदन की गली गली में बैठा देना कि अब बिखेरो राम की खुशबू। और आपसे भी कहेंगे तुरंत मत अपने अस्तित्व में किसी को आने दो, पहले हनुमान जी को समझो, पहले आप कथा सुनो, कथा सुनकर के हनुमान जी को समझो, और जब तुम्हें लगे कि नहीं हनुमान जी ही सार है, तब तुम अपने जीवन का सार हनुमान जी को बना लेना। देखो, किसी कंपनी का कोई मालिक होता है तो कंपनी घाटे में जाती है तो चिंता मालिक को होती है या नौकर को? प्रोडक्ट ना बिक रहा हो तो टेंशन किसकी, वेतन की व्यवस्था ना हो तो टेंशन किसकी, नौकर की तो नहीं ना, नौकर को तो चिंता नहीं होती ना, नहीं ना, किसको चिंता होती है, मालिक को होती है। आप लोग घाटा का काम करते हैं, पूछो क्या, आप लोग सठता का काम कर रहे हैं, पूछो क्या, पूछो ना, आप गलती ये कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी के खुद मालिक बने हो, तो सारी चिंता आपकी है। अपनी जिंदगी के मालिक राम जी को बना दो, खुद नौकर बन जाओ, पर पूरी चिंता राम जी की हो जाएगी। चाह गई चिंता गई मनवा बे परवाह, जिसके अंदर चाह नहीं सो वही सहिंसा। चाह गई चिंता गई मन बेपरवाह हुआ, मन बेपरवाह हुआ तो आप भोग का काम भी करोगे, सिर्फ आप कोई उपद्रव भी करोगे। हमारी बुद्धि तो साधु कहती है वो बुरा काम भी इतना अच्छा हो जाएगा कि उसमें भी भगवत दर्शन होंगे। नामदेव जी को कुत्ते में दर्शन हो गए, बाबा नामदेव महाराष्ट्र का एक बहुत ऊंचा महापुरुष, उनको कुत्ते में दर्शन हो गए, स्वान में भगवान के दर्शन हो गए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ी गलती ये करते हैं, हम लोग भगवानों को मंदिरों में खोजते हैं। भगवान का है वो गुजरात का बहुत प्यारा गीत, मारा घट में बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी, ओ मारे घट में बिराजता श्रीनाथ जी, बोलो बोलो महा, ओ मारा घट में बिराजता, हमारा घट में, हमारे मन मंदिर में राम जी बैठे हैं, राम राम मंदिर में नहीं है। ये तो आस्था का विषय है, यहां आकर के उसकी याद आती है तो मंदिर जाना जरूरी नहीं है। हम लोग मरने के बाद माता पिता को मानते हैं, जीते जी माँ बाप को मानो तब बात बने। हम लोग मंदिर में राम को खोजते हैं, मन में राम को खोजो तब जाने। यहां भारत में पूजा कब होती है, जब कोई भारत में नहीं, हम लोग इतने विचित्र हैं, हम लोग मतलब हम आप इतने विचित्र, कोई मर जाए अरे मेरे बाप तो बहुत ऊंचे आदमी थे, नक कटा, जब जिंदा थे तब पानी नहीं दिया, गिव मी वाटर, पानी मंगाते रहे तो पानी नहीं दिया, सॉरी डैड आई एम बिजी, सॉरी सॉरी मैं तो बिजी हूं, नक कटा, मन तो करता ठोकूं तू भाई। अरे साहब जब वो जिंदा रहे तब पानी नहीं दिया, मर गए तो इंग्लैंड से फ्लाइट करके आप जा रहे कहां, गंगा जी। बोले क्यों, बोले बाप मर गया गंगा नहाया हूं। हमारे महापुरुषों में एक बहुत ऊंची भाषा है,
जियत पिता को दीन न नीर, समझना, जियत पिता को, जीते पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलुआ खीर। जब तक पिता जिंदा था आपने पानी नहीं पिलाया, मर गए तो हलुआ खीर खवा रहे, पिंडदान कर दो, बाप है मेरो। जब जीवित रहे तब तुम्हारी नाक कट गई थी क्या? अरे साहब, जीते जी मानो। हम लोग मरने के बाद भगवान को खोजते, हम लोग मरने के बाद उसकी प्रशंसा करते। अगर तुम में दम हो तो जीते जी प्रशंसा करो किसी की। जो जिंदा हो उसको कहो ये आदमी बहुत ऊंचा है। कोई अगर हम हमेशा बोलते हैं जो परिवार रहता है हम सबको बोलते हैं, अगर कोई कथा बेच रहा तो खरीदार कौन है? आप लोग ना, तो गलती हमारी नहीं तुम्हारी है, मत खरीदो। धर्म बिजनेस का विषय नहीं, धर्म तो मौज का विषय है, धर्म तो जीने का विषय है, धर्म धारणा का विषय है। धार्यति धर्मा, शास्त्र कहता जिसको धारण कर सके। जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलुआ खीर। एक महापुरुष और बोले, जियत पिता को दंगम दंगा, जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जब तक बाप जिंदा था हम लोग उपद्रव करते रहे, बहुत तेज वॉल्यूम में बात करते रहे, जब मर गया राम बचाए साधु। आलसी भी कह सकते हैं, हम लोग आलसी भी हैं। हम लोग भगवान को पाना चाहते हैं शॉर्टकट में, भक्ति खुद नहीं करना चाहते, हम कथा खुद नहीं सुनना चाहते। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम भी भारत से आए, हम भी कोई अपना वतन छोड़ के आए, आप भी अपना वतन छोड़ के आए। मैं निवेदन करूं, राम हमारे बाप हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया ना। हमारी एक व्याख्या है, खबर नहीं आपको अच्छी लगी या बुरी, गॉड। यहाँ अंग्रेज लोग भगवान को क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं ना। गॉड में कितने अक्षर है? जी ओ डी, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जी फॉर जनरेटर, जनरेटर यानी ब्रह्मा, ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी विष्णु, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी शिव। अब सुनना, तीनों प्रत्यक्ष भगवान बता रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। जी फॉर जनरेटर, जनरेटर यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा है मां क्योंकि वो जन्म देती है। ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब पालन करने वाला, संचालन करने वाला, वो है पिता क्योंकि वो अपने ऊपर सब कुछ बोझ उठाते हैं। डी फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी शिव, वो है गुरु, दंड देने का अधिकार गुरु को होता। मात पिता गुरु, यही तीनों भगवान। अगर आपने इनको नहीं माना, इनकी ऊपर निष्ठा नहीं रखी, आपका जीवन व्यर्थ है। एक सच्चा सदगुरु जीवन में होना बहुत आवश्यक है क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, गुरु भीतर के सोए हुए चक्षुओं को, बंद चक्षु को खोलता है, चक्षु यानी आंख। तो बड़ी भाग्य की बात है हमारी, हमें भारत, एक तो पहली बार हम निकले, ये भी हम आपको बता दें, हम पहली बार निकले, बहुत आलसी हैं। आलसी इतने हैं कि हमें लगने लगता कि भगवान ऐसी कृपा करें कि यहीं यहीं सब हो, यहीं हम लेट जाएं, यहीं कथा सुनाएं। लेकिन एक हमको बीमारी भी है कथा सुनाने की, कथा सुनाने की बीमारी इसलिए भी है, खुद भी जगना चाहते, आपको भी जगाना चाहते, स्वयं भी राम से जुड़ना चाहते, आपको भी हम राम से जोड़ना चाहते। तो बीमारी अच्छी है, अगर ये बीमारी है, ये बीमारी बहुत अच्छी है, लेकिन आलसी भी बहुत। वैसे हैरो का एक चंगीलाल, हमारा एक शिष्य है, हैरो में रहता है चंगीलाल, वो भी बहुत बड़ा आलसी था, पूछो कैसे, याद आ गया सुनाऊं। हैरो का चंगीलाल महाआलसी आदमी, इतना आलसी चंगीलाल, राम बचाए। एक बार चंगीलाल और चंगीलाल का एक फ्रेंड मंगीलाल, चंगीलाल भाई और मंगीलाल भाई दोनों छत पर लेटे थे, यहां छत कम होती है, लेकिन वो लेटे थे हैरो में, एक छत थी, वो दोनों लेटे थे। अब आलसियों की बात आई तो इतने आलसी कि दोनों लेटे लेटे छत पर, तब तक यहां तो WWW, मौसम का कोई पता नहीं,
वाइफ का भी और वर्क का भी पता नहीं, और जो मौसम कभी भी बदल जाए। मौसम बदला तो बहुत जोर जोर से बिजली तड़की, बिजली चमक हुई, तो चंगीलाल ने कहा भाई मंगीलाल हाँ देख ऊपर लाइट जल रही है, तो मंगीलाल कहता चुप सो जा। तब तक बोला देख बूंदाबांदी पानी शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई, अरे भाई उठ नीचे चल। मंगीलाल से कहा चंगीलाल ने नीचे चल बारिश हो रही रैनी बारिश हो रही चल। मंगीलाल बोला कोई दिक्कत नहीं बैठो अभी कुछ देर और सो आराम से। तब तक फिर बिजली चमकी, मंगीलाल इतना आलसी आदमी बोले चिंता मत करो बारिश हो रही है तो भगवान ने वेल्डिंग करने वाले भी भेज दिए हैं, ऊपर वेल्डिंग चल रही है थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तो हैरो का चंगीलाल इतना आलसी, हम भी इतने आलसी हैं, हम आप भगवान को तो पाना चाहते पर भजन नहीं करते।